राज पुरोहित तथा चार्य, धूर्त, पाखंडी, लालची, मौका परस्त, विजयनगर साम्राज्य का वो काला धब्बा जिसका काम सिर्फ छल कपट और सियासत खेलकर अपना स्वार्थ पूरा करना था, लेकिन फिर भी राजा कृष्णदेव राय के बेहद विश्वास पात्र और विजयनगर के लिए एक महान और सम्मानित शख्सियत। तो क्या वाकई में ऐसे ही थे तथाचार्य? जी नहीं, इसमें से कुछ बातें सत्य हैं तो कुछ असत्य। वेल, मैं आपको बता दूं, तथाचार्य जिनका नाम लक्ष्मी कुमारा यथाचार्य, जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के राज पुरोहित थे, उनकी पत्नी का नाम वरुणमाला और बेटियां अनंता लक्ष्मी तथा सौदामिनी देवी था। जी हाँ, लेकिन कुछ सीरीज में सौदामिनी देवी को उनकी बेटी की जगह राज नर्तकी बताया गया है। तथाचार्य के दो शिष्य हुआ करते थे, धनी और मणि, जिनका असली नाम धनीचार्य और मणिचार्य था। वे दोनों भी तेनाली रामा से शत्रुता रखते थे। तथाचार्य जितना बड़ा ज्ञानी था उससे अधिक पाखंडी था, लेकिन अगर हम सीरीज की बात करें जो कि टीवी शोज हैं और बाकी कुछ वेब सीरीज की बात करें, एनिमेशंस की बात करें, तो उनमें तथाचार्य को लोभी, पाखंडी और बुद्धिहीन दिखाया गया है। लेकिन वास्तव में वो पाखंडी तो थे ही, लेकिन उन्हें शास्त्रों का अच्छा खासा ज्ञान भी था। तथाचार्य जितने बड़े ज्ञानी थे उससे अधिक दिखावा करते थे वो। उन्होंने तेनाली रामा को कई बार राज्य से निष्कासित करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो हर बार विफल रहे, क्योंकि पंडित रामा काफी बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति उस राज्य के माने जाते थे। धनी मणि के गुरु थे राजगुरु तथाचार्य, और वे तीनों ही पंडित रामा से ईर्ष्या रखते थे। इतिहासकारों के अनुसार तथाचार्य वाकई में एक बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन घमंड भी था। तथाचार्य विजयनगर के महाज्ञानी पंडित त्रिकाल भक्त और उसकी पत्नी तथिनी का पुत्र था। तथाचार्य का जन्म राजस्थान में जयपुर में हुआ था। तथाचार्य के बड़े भाई का नाम अनंत कुमार अन्नाचार्य था, जिसके पास भगवान से संपर्क करने की शक्ति थी। वेल, ये कहां तक सत्य है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इतिहास के अनुसार यही सत्य है। अनंता लक्ष्मी तथाचार्य की पुत्री थी। तथाचार्य जब भारत घूमने गया तो उसने कई सारी लोगों से मुलाकात की, कई सारे विद्वान उसे मिले और कई लोगों को उसने अपना गुरु भी बनाया। आखिर में वे विजयनगर आए और राजा कृष्णदेव राय के पिता तुलुव नरस नायक से मुलाकात की, और राजा तुलुव ने उन्हें अपना राज पुरोहित बना लिया। कृष्णदेव राय के राजा बनने के बाद तथाचार्य तेनाली नगर गया तथा वह अपने भक्तों को दर्शन देते हुए अपनी पालकी में जा रहा था। इसी बीच रामा किसी सब्जी वाले से झगड़ रहा था। गलती से रामा के गले पर सांप आ गया तो रामा ने डर कर वह सांप फेंक दिया और वो सांप जाकर के तथाचार्य के गले में पड़ गया। इसलिए सभी ने पालकी गिरा दी और सभी पालकी उठाने वाले लोग भाग गए। तथाचार्य नीचे कीचड़ में गिर गए और तथाचार्य ने रामा को बहुत डांटा। उस दिन के बाद तथाचार्य की रामा से शत्रुता हो गई। और अगर हम सोनी सब की तेनाली रामा सीरीज की बात करें तो उसके भी शुरुआत में कुछ ऐसा ही दिखाया गया था, जो कि बिल्कुल सत्य घटना है। तो ऐसे ही रोचक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकन को, जिससे आप हमारी आने वाली अपडेट्स को मिस ना करें।